अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों ठीक होंगे। नाजरीन, कुछ भाइयों को सवाल ये था कि हमने जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो हमने लगाई है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, जो साइनोफार्म चाइनीज़ चाइना का वैक्सीन बनाया हुआ था वो हमने लगवाया है, क्या हम चाइनीज़ वैक्सीन लगवाने के बाद एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसके बाद हम जो है सऊदी अरबिया जा सकते हैं या बाकी जो अरब ममालिक हैं उनमें एंट्री ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, मैं पाकिस्तान की बात अभी कर रहा हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी इस पर कोई बात नहीं की है कि इसमें कोई इफेक्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या जिसने चाइनीज़ वैक्सीन लिया है वो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन ले सकता है या नहीं, तो उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी कोई बात नहीं की है। लेकिन अगर आप स्पेन या अरब ममालिक की बात करेंगे, वहाँ पर तो ये दुबई के अंदर साइनोफार्म और उसके बाद एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन एज ए बूस्टर लिया गया है, तो उसमें वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जो और जो एक्सपर्ट है उनका भी यही मानना है कि इससे कोई जो है इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ना इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जिन भाइयों ने चाइनीज़ जो चाइना का बना हुआ साइनोफार्म वैक्सीन है और उसके बाद अगर वो एस्ट्राजेनेका या फीजर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या ताकि वो विदेश जा सकें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। तो जो बाकी वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उन्होंने भी चाइना का वैक्सीन लिया, उसके बाद उन्होंने जो है एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लिया एज ए बूस्ट, यानी जो उनका इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए उन्होंने एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ से भी आप ले सकते हैं। इस पे जो एक्सपर्ट है उनका मानना यही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। और सबसे पहली अहम बात यह है कि सऊदी अरबिया ने ऐलान किया है कि आपको जो हो मुकीम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा, चाहे आपने वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाए, लेकिन अपने आपको आप रजिस्टर्ड ज़रूर करना, उसके बाद ही आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं। यानी अपने आप को रजिस्टर्ड करना ही, चाहे आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, लेकिन आपको रजिस्टर्ड अपने आप को 72 घंटे से पहले पहले आपको इंदराज करना लाजमी होगा। तो ये था अपडेट जो मैंने दोस्तों के साथ शेयर किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारे वीडियो को लाजमी से लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना सारा ख्याल रखें।